अब ये बातें हो गई कि आ, कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो तापमान के वितरण को उसमें वेरिएशन करने के लिए उत्तरदायी हैं अब हम देखते हैं कि आ, यदि हम तापमान पर जाएं तो इसका वितरण कैसा कैसा है यदि हम क्षैतिज रूप से देखते हैं क्षैतिज रूप से यदि हम बात करें तापमान के वितरण की तो आ, हम इसको अक्षांशों के अकॉर्डिंग देखते हैं या इसको पढ़ने का दूसरा तरीका है हम तापमान के क्षैतिज वितरण में सम ताप रेखाओं की बात करते हैं सम ताप जैसा आप इस मानचित्र पर देख ही रहे हैं रेखाएं वो होती हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं आ, मैं यदि एक एग्जांपल लूं आ, कि पूरे विश्व का यदि हम ये नक्शा देख रहे हैं तो क्रमशः हमको इन रेखाओं के माध्यम से तापमान जो है वो घटता हुआ दिख रहा है जैसे 20 डिग्री है उसके बाद 10 डिग्री हो गया फिर ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच गया तो ये जितनी पूर्व से पश्चिम की तरफ समताप रेखाएं जो हैं इनकी विशेषता होती है कि ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम खींची जा रही हैं मतलब कि हम ये कहें कि ये अक्षांशों के समानांतर उसके पैरलर पैरलर चलती हैं हाँ आ, हमने अभी देखा था कि जो फैक्टर्स वेरिएशन लेके आते हैं तापमान के वितरण पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे तो अक्षांश जो है वो इसका आ, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मतलब हम आ, हमने देखा है कि सूर्य का जो प्रकाश हम तक पहुंचता है उसमें अक्षांशों के अकॉर्डिंग हम बात करें कि निम्न अक्षांश से जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो मिलने वाली मात्रा है उसमें हमको अंतर देखने को मिलता है मतलब कि जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं वो अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो अक्षांश जो हैं वो सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में प्राप्त करते हैं क्योंकि हमने बात की थी क्योंकि जैसे ही उच्च अक्षांश पे जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश या उसके प्रकाश में तिरछापन आ जाता है और जब तिरछापन आ रहा है इसका मतलब है कि वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर रहा है और जितना जो प्रकाश की मात्रा कम क्षेत्र को कवर करेगी और एक जगह अधिक क्षेत्र को कवर कर रही है तो प्रकाश की मात्रा कहाँ ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर कि वो कम एरिया को कवर कर रही है और जहां पर उसे अधिक एरिया को कवर करना पड़ रहा है वहां पर ताप की मात्रा कम हो जाएगी तो अक्षांश जो है, वो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हाँ हमने बात की कि जो समताप रेखाएं हैं वो उसके क्षैतिजिक वितरण को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जब हम तापमान के क्षैतिज वितरण की बात करते हैं तो हम उसे इस समताप रेखाओं के माध्यम से ही पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं कुछ होती हैं जैसा भी हमने कहा कि ये अक्षांशों के पैरलर या समानांतर खींची जाती हैं दूसरी बात ये होती है कि ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ ही खींची जाती हैं हाँ इनमें यह होगा कि आ, ये कहीं कहीं हमको कर्व के रूप में मिलती हैं या इनकी आकृति गोलाकार दिख रही है हमको इस मानचित्र पर आ, तो ये ये यहाँ पर गोलाकार कहीं पर सीधी क्यों है कहीं पर कुछ ऊपर उठी हुई और कहीं नीचे झुकी हुई हमको देखने को मिलती है तो ये क्यों हो रहा है ये इस कारण होता है एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आ, जैसे हम सर्दियों में आ, या घर में हम एक अलाव जलाते हैं और उस अलाव के आसपास हम बैठ जाते हैं आग सेकने के लिए आग में अपना हाथ सेकने के लिए तो हम क्या देखेंगे कि उस अलाव के चारों तरफ जितने लोग बैठे हैं यदि हम क्वेश्चन करें कि, कि किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है मान लो कि वहाँ पर का तापमान उस अलाव के चारों तरफ तीस डिग्री तापमान है तो जो उसके गोलाकार घेर कर बैठे हुए हैं उस अलाव को वो अपने हाथ ऊपर कर लेंगे क्योंकि उनका तापमान उनसे बाहर बैठे हुए है ना या उनसे थोड़ा दूर बैठे हुए व्यक्तियों से उनका टेम्परेचर हमको अधिक मिलेगा अब हम यदि उसी गोलाकार आकृति में उन सभी के हाथ जो जिन्होंने ऊपर किए हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री है तो हम उन सभी के हाथ बांध दें तो वो जो रेखा होगी 30 डिग्री की वो गोलाकार स्वरूप को दिखा रही है समताप रेखाओं के इसी में हम देखते हैं कि आ, हम यहाँ पर अभी जुलाई महीने का आ, या जुलाई महीने की समताप रेखाओं का अध्ययन कर रहे हैं जुलाई महीने में क्या हो रहा है कि आ, सूर्य जो है वो उत्तरायण की स्थिति होती है उसकी वो कर्क रेखा पर सीधी चमक रही होती है तो आ, ऐसे तो भूमध्य रेखा पर आ, लंबवत होती है और भूमध्य रेखा से ये ऊपर की तरफ कर्क रेखा तक जाएगी और भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ मकर रेखा तक आती है तो जब उत्तरायण की स्थिति होती है तो यह कर्क रेखा पर लंबवत है अब जब यह कर्क रेखा पर लंबवत है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर पूरे उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होगा क्योंकि हमको मालूम है कि 21 जून को सूर्य की जो स्थिति है वो कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो जब कर्क रेखा पर लंबवत है मतलब यहाँ पर पूरे उत्तरी गोलार्ध में या हम ये कहें कि जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र या स्थान पर होगी ठीक है तो अब अब इसी में हम देखते हैं कि कुछ जो मरुस्थल है वहाँ पर हमको समताप रेखाओं की आकृति जो है वो गोलाकार या वक्र के रूप में नज़र आ रही है वो हम देखते हैं जैसे मैक्सिको हो गया या फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर भारत में थार का मरुस्थल हो गया अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है ऊपर हम ग्रीनलैंड में देख रहे हैं तो मरुस्थल का मतलब क्या होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति का जीवन ना हो वनस्पति विहीन क्षेत्र तो ये आ, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीत मरुस्थल में भी होंगी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होगा ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी और वही ठंडे क्षेत्र या ठंडे मरुस्थल की बात करेंगे तो वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है इसलिए वहाँ पर वनस्पतियों का जीवन संभव नहीं होता और लाइकेन या छोटी छोटी घास भूमियों के रूप में हमको वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार चाहे हम इससे लगे हुए जो सागरी स्थल हैं या महाद्वीप के अन्य जो क्षेत्र या प्रदेश होंगे उनकी अपेक्षा मैंने अभी बात की भारत का थार का मरुस्थल हो गया अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो गया इन जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं तो मरुस्थल जो है वो महाद्वीपों के अन्य क्षेत्र की अपेक्षा हमको वहाँ पर क्या मिल रहा है तापमान बहुत ज़्यादा इसीलिए वहाँ पर आ, सम रेखाएं जो हैं वो गोलाकार आकृति में होगी जैसा हमने अभी उदाहरण से समझा कि हम अलाव जलाएं तो मतलब इन सभी क्षेत्रों की अपेक्षा इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हमको क्या मिल रहा है आ, आजू बाजू वाले क्षेत्र चाहे वो जलीय हिस्सा हो या महाद्वीपों का अन्य क्षेत्र हो उनकी अपेक्षा इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हमको तापमान अधिक मिल रहा है इसलिए ये समताप रेखाएं वहाँ पर गोलाकार आकृति में हो गई हैं क्योंकि इनकी अपेक्षा उनके बाहर का जो तापमान यदि यहाँ पर हम आ, 45 फाइव टू फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर या तापमान यहाँ का नोट कर रहे हैं तो उसके बाहर के क्षेत्र में हमको तापमान जो है वो लगभग थर्टी या फोर्टी डिग्री टेम्परेचर ही देखने को मिलेगा तो समताप रेखाएं यूं तो आ, लंबवत या हम बोले क्षतिजिक अक्षांशों के समानांतर होती हैं लेकिन जहाँ पर भी मरुस्थली जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर ये हमको गोलाकार आकृति में मुड़े हुए नजर आते हैं तीस, और इनकी विशेषता होती है दूसरी कि आ, जैसे ही हम देख रहे हैं महाद्वीप है महासागर है फिर महाद्वीप आ गए तो यहाँ पर ये वक्र के आकार में मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ी होती है इनमें हमको बहुत अधिक विचलन देखने को मिलता है विचलन इसलिए क्योंकि हमको मालूम है कि जल और स्थल का जो स्वभाव है वो गर्म होता है हमने इसमें चर्चा की है कि जल जो है उसकी प्रवृत्ति होती है कि ये धीरे धीरे गर्म होता है और उतनी ही धीरे उतनी ही धीरे गति से ठंडा भी होता है लेकिन जो महाद्वीपीय या जो भूमि वाले जो क्षेत्र हैं या धरातल की जो सतह होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जल्दी गर्म होता है सूर्य तप की मात्रा से और उतनी ही जल्दी परावर्तन के कारण वो ठंडा भी हो जाता है तो यदि हम यहाँ पर से एक 20 डिग्री की समताप रेखा खींचना भी चाहें तो आप इमेजिन कर लीजिए कि हम यदि यहाँ से 20 डिग्री की एक समताप रेखा खींच रहे हैं और यदि ये हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र हो गया ये प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर फिर अफ्रीका की स्थिति आती है और हम देख रहे हैं कि आगे एशिया है तो क्रम से उत्तरी गोलार्ध में हमको विचलन अधिक देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपों की स्थिति अधिक है तो आ, ये रेखाएं जैसे ही आ, महासागर से महाद्वीपीय क्षेत्र में आ रही हैं तो उनमें विचलन आ जाएगा जब हम जुलाई महीने में इसको देखेंगे तो जुलाई महीने का जो तापमान है वो भूमध्य रेखा की तरफ आ, मुड़ा हुआ होगा क्योंकि वहाँ पर तापमान जो है वो हमको अधिक मिल रहा है और यदि हम इसी को जनवरी माह की समताप रेखाएं देखेंगे तो वो क्रमशः ध्रुवों की तरफ उठी हुई होंगी ध्रुवों की तरफ उनमें ज़्यादा विचलन देखने को मिलेगा क्योंकि तापमान जो ध्रुवों का है ध्रुवों के पास बहुत ज़्यादा ज़ीरो डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा और गर्मियों में हम देखेंगे तो यही भूमध्य रेखा की तरफ आ जाएगा तो ये विचलन देखने को मिल रहा है क्योंकि महाद्वीप और महासागर दोनों के तापमान में हमको अंतर देखने को मिलता है हाँ ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में भी अलग होगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी अलग होगी वो इसलिए कि हमारे पूरे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल का जो हिस्सा है जली भाग जो है महासागर हमको अधिक मिलते हैं और महाद्वीप जो है वो हमको कम दिखाई मिलते हैं तो जहाँ पर भी महासागर हैं वहाँ पर तापमान की समान असम्य स्थिति होगी और जैसे ही महाद्वीप के बाद महासागर आएंगे या भूमि की स्थिति धरातल की स्थिति अधिक देखने को मिलेगी तो वहाँ पर सम तापरेखाएँ जो हैं वो फिर से मुड़ जाएंगी उनमें झुकाव आ जाएगा या मैं ये कहूँ कि विचलन आ जाएगा और जहाँ भी जलीय स्थिति हमको देखने को मिल रही है जहाँ पर इनकी अधिकता है तो इनमें एक समान ये अक्षांश के समानांतर हमको देखने को मिलेंगी हाँ अब हम देखते हैं आ, कि ये तो हो गई समताप रेखाओं की बात जिसमें हमको आ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मतलब कर की सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के कारण हमको इसमें अंतर देखने को मिल रहा है जब आ, ठीक स्थिति विपरीत होगी हम इसको एक और इसे समझ सकते हैं आ, अगर हम किसी स्प्रिंग को बीच से खींचते हैं तो आ, बीच से खींचेंगे तो जिस तरफ हम खींच रहे हैं वहाँ पर वो पास पास हो जाएंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्थिति दूर होगी ठीक इसी प्रकार अगर आ, सूर्य कर्क कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है या उत्तरायण की स्थिति है तो हम इस तापमान वाले अधिकतम तापमान के क्षेत्र को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है वो कर्क रेखा पर सीधी है तो हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग है और उस समताप रेखा की तरफ हम उसको क्योंकि अधिक ताप वाला क्षेत्र अब भूमध्य रेखा की के पास ना होकर ये पूरे इस कर्क रेखा के आसपास हमको देखने को मिल रहा है तो हमने स्प्रिंग को खींचा तो ये पूरा झुकाव जो है वो उत्तर की तरफ आ जाएगा लेकिन ठीक विपरीत स्थिति जब सूर्य आ, मकर रेखा पर या उसकी स्थिति दक्षिणायन की होगी तो ये अधिकतम तापमान का जो बेल्ट है या इसकी जो पेटी है वो खिसक कर आ, मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र या प्रदेश में आ जाएगी तो यहाँ पर हमको अधिक विचलन मिलेगा अधिक पास पास मिलेंगे और ऊपर की तरफ हमको इसकी स्थिति ठीक विपरीत मिलेगी ये हो गई आ, सम तापरेखाओं की बात इन सप सम तापरेखाओं के माध्यम से हम तापमान के क्षैतिज वितरण का अध्ययन या हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार का है अब हम आगे देखते हैं तापमान का दूसरा वितरण होता है ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण हम इसको कहेंगे क्षैतिज वितरण तो अक्षांशों के अनुसार हो गया और लंबवत वितरण जैसे हम इस धरातल पर खड़े हैं और हम इस धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हम जो तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा नोट किया जाएगा ये तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण होगा और हमने चर्चा भी की है कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान में गिरावट की स्थिति जो है वो दर्ज की जाती है और ये गिरावट लगभग एक किलोमीटर में छः दशमलव पाँच डिग्री सेंटीग्रेड की दर से होती है मतलब हम अपनी धरातली सतह से जैसे जैसे प्रति किलोमीटर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो तापमान भी जो है वो लगभग छः दशमलव पाँच डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता जाएगा प्रत्येक किलोमीटर पर वो कारण ये होता है कि आ, जो नीचे का धरातल धरातलीय सतह होती है वहाँ पर का वायुमंडल सघन होता है मतलब वहाँ पर गैसें, जलवाष्प और कण की स्थिति होती है जो कि सूर्य के आने वाले प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेती है जिससे अगर अवशोषण की मात्रा अधिक हो रही है इन माध्यमों से तो तापमान नेचुरली है कि अधिक होगा और दूसरी चीज़ ये होती है कि निचला वायुमंडल सघन है हवाएं भी जो हैं वो गैसें जो हैं वो पास पास है जिससे एक दूसरे के संपीड़न के कारण भी वहाँ पर गर्मी जो है वो उत्पन्न होती है लेकिन हम जैसे जैसे ऊपरी वायुमंडल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमको ये तापमान जो है कम मिलेगा क्योंकि ऊपर वायुमंडल विरल होता जाता है इन गैसों की मात्रा कम होती जाती है साथ ही जो जलवाष्प धूलकण जो है वो हमको बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं तो जब सूर्य के प्रकाश को कम मात्रा में सोखा जाएगा तो नेचुरली है कि वहाँ पर तापमान की मात्रा या ताप हमको कम मिलेगा ये हो गया तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण अब हम तापमान के प्रादेशिक वितरण की बात करते हैं मतलब प्रदेश के अनुसार तापमान का वितरण किया गया है इसमें अक्षांश की ही स्थिति या अक्षांशों की हम भूमिका लेंगे क्योंकि पूरी पृथ्वी को यदि यहाँ पर भूमध्य रेखा से लेकर उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं तो हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ नाइन्टी डिग्री तो हम दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो इस पूरे क्षेत्र को तीन कटिबंधों में बांटा गया है हम भूमध्य रेखा जीरो डिग्री से कर्क रेखा के बीच जाते हैं साढ़े तेईस अंश तक तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर पूरे साल चूंकि सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं सूर्य का सफर ही जो है वो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक उत्तर में और दक्षिण में मकर रेखा तक वो यात्रा करता है तो यहाँ पर वर्ष भर तापमान जो है वो अधिक होता है यहाँ शीत ऋतु नहीं होती ठंड का मौसम यहाँ नहीं होता क्योंकि लंबवत पड़ रही है सूर्य की किरणें तो रात और दिन के तापमान में यह मैं ये कहूँ कि यह वर्ष भर तापमान जो है वो लगभग एक समान होता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को हमको नहीं मिलता जिसके कारण यहाँ पर शीत ऋतु नहीं मिलती यहाँ पर का दैनिक या वार्षिक तापांतर भी बहुत कम होता है हाँ ये चीज़ें हमारे हम जब कर्क रेखा के आसपास पहुँचते हैं तो इस क्षेत्र में हमको दैनिक तापांतर जो है वो देखने को अधिक मिलता है या यहाँ पर शीत ऋतु भी हम कहते हैं कि मौसम में बदलाव आते हैं स्पष्ट रूप से हमको दिखता है कि ग्रीष्म ऋतु है वर्षा ऋतु है या शीत ऋतु है अब इस उष्ण कटिबंध से हम जैसे ही कर्क रेखा साढ़े तेईस अंश से साढ़े अंश के अक्षांश उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम उसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं उप उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा ना वो गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पर का जो तापमान है वो लगभग चार से ग्यारह महीने जो है वो बीस डिग्री टेम्परेचर से अधिक होता है 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है यहाँ का तापमान और लगभग एक से आठ महीने जो है वो यहाँ का तापमान जो है वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है यहाँ पर तापांतर हमको बहुत अधिक मिलता है तापांतर मतलब यहाँ पर का जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है लगभग पाँच से दस डिग्री टेम्परेचर मतलब यदि अधिकतम तापमान यहाँ पर का बीस डिग्री टेम्परेचर हो गया तो न्यूनतम तापमान जो है वो लगभग आपका दस से बारह डिग्री टेम्परेचर तक होगा अब हम ऊपर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं या उतनी ही अक्षांश हम नीचे भी जाएंगे तो वही कटिबंध हम देखने हमको मिलेगा हाँ इस साढ़े छःसठ डिग्री अक्षांश से उत्तर में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिण में साढ़े छःसठ डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं तो इस बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं कटिबंध मतलब ये यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी होती हैं और लगभग ध्रुवों के पास तो हमको पता है कि सूर्य के प्रकाश की मिलने के मिलने की अवधि इतनी कम हो जाती है कि यहाँ पर छः महीने तक अंधेरा रहता है या छः महीने तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता और जो छः महीने दिन की अवधि होती है उसमें भी सूर्य का जो प्रकाश है उसमें इतना तिरछापन होता है कि वो एकदम बहुत न्यूनतम होता है हम या ये कहें कि जैसे हमको सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है लगभग उसी के समान होता है तो ये पूरा ठंडा क्षेत्र है जहाँ पर कि बर्फ से वो ढका हुआ मतलब हम सत्तर डिग्री से भी ऊपर की तरफ चले जाएं तो वो बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो लगभग आठ से ग्यारह माह जो है दस डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है जिसे हम शीत कटिबंध कहते हैं तो ये बात हो गई कि तापमान का प्रादेशिक वितरण प्रदेश के आधार पर हमने इन्हें तीन भागों में विभाजित किया उष्ण उसके बाद क्रमशः शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद हमारा मिलता है शीत कटिबंध अब आ, अभी हमने बात की थी जब हम तापमान का उर्ध्वाधर वितरण देख रहे थे कि भाई हम जैसे जैसे सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं वायुमंडल में तो हमने कहा कि प्रत्येक किलोमीटर में छः दशमलव पाँच डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में गिरावट आ जाती है और हमने देखा है कि इस प्रवृत्ति को हम सामान्य तापहाज दर कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट के नाम से जानते हैं लेकिन आ, कभी किसी परिस्थितिवश यदि आ, हम ऊपर की तरफ जाएं तो तापमान में आ, गिरावट की जगह आ, वो तापमान जो है कम होने की बजाय अधिक होता है तो हम इसे तापमान व्युतक्रमण या टेम्परेचर इन इन्व, इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं व्युतक्रमण मतलब उल्टा सामान्य रूप से तापमान को कम होना चाहिए लेकिन वो तापमान कम होने की बजाय बढ़ रहा है निचली सतह पर तापमान कम है लेकिन जैसे ही हम ऊपरी सतह पर इस सतह से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको तापमान में अधिकता हम नोट करते हैं या अधिक तापमान हमें महसूस होता है तो इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं अब ये दशा कब उत्पन्न होती है या किस कारण से होती है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस यदि किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष में हमको मिलते हैं तो हमको टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युतक्रमण स्थिति जो है वो देखने को मिलती है आ, या आ, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए तभी तभी तापमान व्युतक्रमण देखने को मिलेगा जैसे कि हम अनुभव करते हैं कि जो ठंड का समय होता है ठंड के समय में रातें जो हैं वो बड़ी होती हैं दिन छोटे होते हैं दिन छोटे होते हैं तो आ, सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश मिलने की अवधि जो है वो समय जो है कम होता है और वापस रिफ्लेक्शन का समय परावर्तन का समय जो है वो अधिक होता है लंबा होता है तो इस कारण से शीत ऋतु की लंबी रातें जहाँ भी होंगी हम शीतोष्ण कटिबंध की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर हमको ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं तब व्युत्क्रमण की स्थिति होती है कि भाई जैसे ही सुबह का समय होता है तो पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो गया तापमान का परावर्तन हो गया और तापमान के दीर्घ तरंग विकिरण से परावर्तन के कारण इस सतह से हम जो पूरी धरातली सतह है वहाँ पर वो ठंडी हो गई क्योंकि वहाँ पर से उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो गया और उस धरातल के रिफ्लेक्शन से ठंडे होने के कारण उस एटमॉस्फेयर से या उस धरातल से लगी जितनी भी हवा होगी वो भी क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी लेकिन जैसे ही हम थोड़ा उसके ऊपर जाएं, तो उसकी अपेक्षा इस निचली सतह की अपेक्षा इस ऊपरी सतह की जो हवा है वो अपेक्षाकृत गर्म होती है तो तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथ ही तापमान व्युत्क्रमण के लिए दूसरी कंडीशन है कि आकाश जो है वो साफ़ होना चाहिए मतलब आकाश मेघ रहित होना चाहिए उसमें बादल ना छाए हुए हों बादल क्या काम करते हैं कि सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें वो एक बाधा के रूप में रुकावट के रूप में कार्य करते हैं वो जो वायुमंडल में जितने भी धूल कण या गैसों की जो घना आवरण जो छाया हुआ होता है जिसे हम बादल छाए हुए हैं, कहते हैं वो सूर्य के प्रकाश को निर्बाध रूप से बिना रुकावट के आ, आपके ब्रह्मांड में वापस नहीं जाने देते और अपने में अवशोषित कर लेते हैं तो तापमान जो है वो क्या होता है बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिर पाता और वो अधिक बना हुआ होता है तो तापमान विक्रमण के लिए आकाश का साफ होना बहुत आवश्यक है ताकि जो धरातल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ताप का जो परावर्तन हो रहा है वो बिना किसी रोक टोक के हो अब हम देखते हैं इस जो तीसरी कंडीशन है वो वायु जो है वो भी शांत होना चाहिए शांत वायु मतलब हवा में गतिशीलता या वायु में गतिशील गतिशीलता का गुण ना हो मतलब यदि हवाएं चलेंगी तो वो क्या करेंगे किसी सतह पर इस धरातली सतह पर यदि व्युत्क्रमण की आकाश साफ है मेघ रहित है या इस पूरे प्रदेश में ठंडी रातें हैं लंबी रातें हैं तो क्या होगा लेकिन आ, हवा जो है वो यहाँ पर गतिशील है तो इस धरातल सतह के परावर्तित होने से यहाँ पर जो ठंडी हवा मिलेगी अगर इसमें हवा गतिशील है आसपास के क्षेत्र में तो दूसरे क्षेत्र की जो वायु राशि है वो इस क्षेत्र पर आ जाएगी और इसे गर्म कर देगी तो हवा का शांत होना आ, बहुत आवश्यक है ताकि आ, इस ताप का स्थानांतरण ना हो मतलब यहाँ से ठंडी हवा जो है वो दूसरे स्थान की तरफ या दूसरे स्थान से गर्म हवा जो है वो इस ठंडे प्रदेश की तरफ ना आ पाए उसके बाद आ, हवा के शांत होने के साथ साथ इसमें शुष्कता का गुण भी होना चाहिए आर्द्रता की मात्रा ना हो क्योंकि शुष्क वायु जो है आ, वो आ, जो तापमान है उसको अवशोषित करने का गुण नहीं रखेगी लेकिन उस हवा में अगर आर्द्रता है उस वायु में आर्द्रता की मात्रा जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है तो वो क्या करेगी तापमान को अपने में अवशोषित कर लेगी जिससे वहाँ पर किस सतह का जो तापमान है वो कम नहीं हो पाएगा और तापमान जो है वो बढ़ जाएगा जिससे तापमान व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन की दशा में बाधा आएगी रुकावट आएगी साथ ही साथ हिमावरण जो है बर्फ छादन की स्थिति बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र है वो भी तापी प्रतिलोमन के लिए एक आदर्श दशा मानी जाती है क्योंकि हमने देखा है कि जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं या बर्फ की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि सूर्य का जो प्रकाश उस तक पहुंचता है जितना भी हम देखें हिमाचादित क्षेत्र में सूर्य से आने वाले प्रकाश लगभग 70 प्रतिशत मात्रा को वो रिफ्लेक्ट कर देती है या परावर्तित कर देती है जिससे वो सतह गर्म नहीं हो पाता और ठंडा ही रहता है तो तापी प्रतिलोमन के लिए हिम आवरण या बर्फ से ढके हुए क्षेत्र भी एक आदर्श दशा को उत्पन्न करते हैं तो ये तो हो गई कि तापीय विकिरण के लिए या तापीय प्रतिलोमन के लिए कौन कौन सी दशाएं जो हैं वो आवश्यक हैं या होनी चाहिए तभी किसी स्थान पर तापीय व्युत्क्रमण की दशा उत्पन्न होगी अब हम देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं कहाँ कहाँ पर तापीय व्युत्क्रमण की जो दशा है वो उत्पन्न होती किन क्षेत्रों में तो नंबर वन हम देखते हैं सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन या हम इसे बोलते हैं भूपृष्ठीय तापीय व्युत्क्रमण भूपृष्ठीय तापीय व्युत्क्रमण मतलब आ, जो धरातल के पास व्युत्क्रमण की स्थिति होती है उसे हम भूपृष्ठीय तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं किसी भी स्थान या प्रदेश में आ, अगर ठंड के समय की लंबी रातें हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि तापमान के मिलने की आ, कस जो समय है वो कम होगा और वापस रिफ्लेक्शन परावर्तन का जो समय है वो अधिक होता है तो सुबह आते आते चूंकि सूर्य के प्रकाश की जितनी मात्रा है वो परावर्तित हो जाती है तो उस धरातलीय सतह पर हमको व्युतक्रमण की स्थिति देखने को मिलती है धरातल से लगी हुई सतह जो है वो ठंडी हो जाएगी लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इसकी अपेक्षा तापमान जो है वो अधिक देखने को मिलता है तो आ, वहाँ पर इस आ, इस टाइप के जो प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण की जो स्थिति है इसको हम धरातलीय व्युत्क्रमण कहते हैं अब आ, दूसरा जो होता है वो हमारा एडवेक्शनल इन्वर्जन होता है या हम इसे कहते हैं अभिवहनीय तापीय व्युत्क्रमण अभिवहनीय तापीय व्युत्क्रमण या वाताग्रीय व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन ये हमारे लगभग जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर वाताग्र की स्थिति जो है उत्पन्न होती है वाताग्र या चक्रवाती स्थितियाँ बनती हैं तो वाताग्र के क्षेत्र में क्या होता है कि दो स्थानों से मतलब एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है और दूसरे ही क्षेत्र से यहाँ पर गर्म हवा आ रही है तो हमको पता है कि इस ठंडी हवा की प्रवृत्ति क्या होगी कि वो भारी होती है भारी होकर नीचे की तरफ बैठेगी अब इसके नीचे की तरफ बैठने से यहाँ पर जो ये गर्म हवा उपस्थित होती है इसे ये ऊपर की तरफ ढकेलती है या धक्का देती है तो यहाँ उपस्थित गर्म हवा की का स्थान ये ठंडी हवा ले ली और यहाँ जो गर्म हवा थी ये ऊपर की तरफ उठ गई उसमें संवहन की प्रक्रिया से ये ऊपर की तरफ चली गई तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ठीक जो धरातल में यहाँ पर तापमान कम होना चाहिए था अधिक होना चाहिए था ये तापमान कम हुआ और हम ऊपर की तरफ देखें ठीक इससे ऊपर हमको तापमान जो है वो थोड़ा सा अधिक मिल रहा है ये गर्म और ठंडी वायु राशियों के प्रभाव से ये हमारे लगभग साढ़े तीस पैंतीस से लेकर साठ पैंसठ डिग्री अक्षांशों के बीच होता है जहाँ पर प्रति चक्रवाती दशाएँ या वातागरी दशाएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि यहाँ पर से गर्म पछुआ हवाएँ ऊपर की तरफ जाती हैं और उधर से ठंडी हवाएँ ठंडी ध्रुवी हवाएँ है जो हैं वो नीचे की तरफ उतरती हैं तो यहाँ पर हमको ये अभिवहनिक जो व्युतक्रमण की स्थिति है वो अधिक देखने को मिलती है अब हम तीसरा व्युत्क्रमण का तीसरा प्रकार देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं वैली टेम्परेचर इन्वर्जन या घाटी तापीय प्रतिलोमन घाटी का भी प्रतिलोमन हमको पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वती ढलानी वाले ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ क्या होता है कि रात के समय में हम देखेंगे कि आ, ये जो पर्वत है कोई भी पर्वतीय क्षेत्र चाहे हम एशिया चले जाएं आ, अमेरिका चले जाएं अफ्रीका चले जाएँ कोई भी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है पर्वतीय ढाल के सहारे रात के समय इस पर्वत की धरातल से आ, जो सूर्य का प्रकाश दिन में यहाँ पर मिला हुआ था उससे आ, उसका परावर्तन रिफ्लेक्शन हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर की जो हवा है वो क्या हो गई ठंडी हो गई अब ये ठंडी हवा संघनित होने लगेगी उसकी प्रवृत्ति है कि हवा जैसे ही ठंडी होती है उसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आ, ये जो हवा है इसमें संघनन की प्रक्रिया होने लगेगी और संघन संघनन की प्रक्रिया हुई मतलब ये हवा भारी हो गई अब भारी होने से ये नीचे की तरफ बैठने लगती है लेकिन ये जब नीचे की तरफ बैठेगी तो इस घाटी में जो रिफ्लेक्शन है या ताप का जो परावर्तन है वो उतना अधिक नहीं होता है जितना इस पर्वतीय क्षेत्र के ढाल वाले क्षेत्र में तो इस आ, घाटी क्षेत्र में क्या हुआ तापमान अधिक था मतलब यहाँ की हवा जो है वो क्या है गर्म है अब इस ये जो उतरती हुई ठंडी हवा है ये इस घाटी से गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेलती है और इस गर्म हवा का ये स्थान ले लेती है तो क्या होगा अब इस घाटी क्षेत्र में हमको ठंडी हवा के नीचे उतरने से यहाँ पर का तापमान कम और इससे थोड़ा हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमको तापमान जो है वो अधिक देखने को मिलता है तो इसे हम घाटी प्रतिलोमन की दशा कहते हैं तो आ, ये हो गई बात आपकी तापीय व्युत्क्रमण जो है वो क्या होता है फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सामान्य स्थितियों में आ, क्या होगा कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान में आ, कमी दर्ज की जाती है लेकिन तापीय व्युत्क्रमण की दशा में तापमान ऊंचाई की तरफ जाने पे आ, कम होने की बजाय जब बढ़ने लगता है तो हम इसे तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं और आ, उसके ये जो तीन प्रकार हैं ये हमने देखे ये हो गया तापीय विक्रमण और पूरा हमारा तापमान का आ, हमने देखा कि आ, लंबवत वितरण होता है क्षैतिजिक वितरण देखा और प्रादेशिक वितरण देखा